बैटमैन का रूल है कि अगर एक ओवर के बाद गेंद घूम हो जाती है, घूमती है, तो फिर रोल बॉल दिए जाएंगे। बात ध्यान में रखिए। शफीक सरखोत, शफीक की गेंद पर ये देखिए पॉइंट की रीजन में कैच पकड़ लिया गया और इरफान बुले इनका विकेट, सरजील ने पकड़ा कैच। असद फकी, मुकाबला जब तक रुका हुआ है तब तक हम एक इस्तकबाल करेंगे। कैमरामैन असद फकी एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच आई हुई है जिन्होंने एक मिनट इस टूर्नामेंट के लिए, असद फकी ये वो पर्सनैलिटी है जिन्होंने हमें बहुत ज्यादा ताउन किया है। ये टूर्नामेंट की एक अनोखी पहचान है, बिल्कुल इनकी आमद हो चुकी है। इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं असद फकी साहब, और फूलों के साथ आपका इस्तकबाल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फकी साहब आपका, आप अपने कीमती वक्त को यहाँ पर देने के लिए यहाँ तक हमारे लिए पहुंचे हैं, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो अहमद साहब, ये अहमद साहब एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे खुद योगेश पेंकर ने ऑफर किया था कि आप मेरी टीम में खेलो, और आज कई सालों के बाद मैदान में उतरे हैं। जी हाँ, पहली ही गेंद फेस कर रहे थे, लगातार दो गेंदे फेस करते हुए डॉट बॉल, कोई रन नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ जीरो पर। ब्राइट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में इनका शुमार है। हेलो हेलो, तो उसी पालेकर का विकेट जा चुका है। हेलो, हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो जी हाँ, और एक जगह विकेट जाने का खतरा, और ये विकेट जा चुका है। टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है। एक बड़ा विकेट अहमद साहब। हेलो, और ये पूरी टीम बैकफुट पर आ गई है वनी टीम के सामने। वडोली स्कोर 4, विकेट जा चुके हैं 4, और दूसरा ओवर मैदान के अंदर जारी है। 3 गेंदे बाकी है।
वरुण ब्रैड स्टार को इकबाल के रूप में लगने वाला पांचवा झटका। और काफी खस्ता हालत में है वरौली की टीम। बॉलर अभी आए हैं मोहम्मद खैफ, अपनी टीम की जानिब से तीसरी ओवर लेकर और अपनी कोटे की पहली ओवर लेकर मोहम्मद खैफ। दो ओवर के इंतजाम पर खाली स्कोर वरौली का पांच। अब देखना है आदिल क्या करते हैं अपने इनिंग में, क्या चार चांद लगाते हैं अपने बल्लेबाजी से। और हार्ड हिटिंग की जरूरत है फैजान और आदिल को अगर यहां से नैया पार करने है तो। फिर से एक बार अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, गुड लेंथ से उठी गेंद। आदिल जोर से हिट करना चाहते थे मगर बीट हो गए। बहुत धीमा स्कोर वरौली की जानिब से। फिर से एक बार अच्छी गेंद मगर अंपायर का इशारा वाइड, इस वाइड की मदद से स्कोर जा बचा है छह। मोहम्मद कैफ अपने इलाके के जाने माने गेंदबाजे, तेज थर्रार गेंदबाजी करते हैं मोहम्मद कैफ। इतने अच्छे बल्लेबाज है आदिल। फिर एक बार अंपायर को पार किया, विकेट को पार किया, पट के गेंद तेजी से खेला है गेंद के नीचे फील्डर दे रहे हैं देखने क्या आउट और कैच आउट, काफी अच्छी कैच। और यहाँ पे शाइकिंग को इतला दी जाती है कि यहाँ पे कूपन सिस्टम भी है। फिर से एक बार मोहम्मद कैफ शाबू के लिए अंपायर को पार किया, विकेट पार किया, काफी अच्छी गेंद थी सारा गेंद। ये शाबू लपेटना चाहते थे मगर मिस कर बैठे, उसके चलते डॉट गेंद। काफी धीमा स्कोर है यहाँ पे स्टार फॉरेंस का। फिर से पारंपर को पार के विकेट पार के अच्छी गेंद से थोड़ा जरूर है देखना है जब तक तो फील्डर फील करके थ्रो करते एक रन चुरा लिया। हाना हाना में दूसरे की मांग करते और दो रन चुरा ले, काफी चतुर रनर है यहाँ पे फैजान और साबू। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन दो विकेट देखने मिले हमें। फैजान यकीन काफी अच्छे गेंदबाज भी है वरौली के और ऑलराउंडर भी है फैजान। दो रन की मदद से स्कोर जब बचा है आज। फिर एक बार अच्छी गेंद स्लो लाइन की गेंद उसे खेला है हाउ में गेंद जिसके चलते बहुत अच्छी ड्राइव की थी। फिर से एक बार दो रन चुरा लिए आना आने में और ये देखिए काफी गचाल थ्रो एक बॉल बाकी। अब फैजान अगर सिक्स लगाते हैं तो आसिफ फकीर की तरफ से 500 रुपए हर छक्के पे देखना है। फिर से अंपायर को पार किया, विकेट को पार किया, अच्छी गेंद और इतना ऊंचा गोल कट शॉट खेला था मगर सीधा फील्डर के हाथ में।
अब है साधु संपर्क पार के एक पर अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा शॉट आपके विषय में खेला गैप में खेला था जिसके चलते काफी अच्छा शॉट और चार रन और इस चौके की मदद से 200 रुपए का इनाम मिलता है। और काफी अच्छा शॉट 6 रन काफी दूर खेला हुआ शॉट 6 रन यकीन सादिक भाई अपने रूटीन के लिए कप्तानी पारी खेलते हुए बहुत बढ़िया शॉट 6 रन के लिए सीनियर प्लेयर है और यकीनन झलक रहा है एक्सपीरियंस के बैटिंग में से और 400 रुपए के हकदार हो चुके हैं। बाईस इस चक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 22। फिर से एक बार अच्छी गेंद जैसे लपेटना चाहता है जोर से मगर मिस कर बैठे जिसके चलते 1 रन मिलेगा। और हमारे गांव की मौजूद हस्ती हमारे एक्स कैप्टन सलाम डावरे मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनको दावत देता हूँ कि यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में स्टेज पे आए और उनका स्वागत असद फकीर उनका स्वागत करेंगे सलाम डावरे का प्लीज। हमारे ब्राइट स्टार के माजी कप्तान सलाम डावरे हल्के हल्के कदमों से माइक्रो बॉक्स में आते हुए फिर एक बार शर्जील ने गेंद की अच्छी गेंद मगर अंपायर का इशारा वाइड इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ पहुंचा है 26। और यहाँ पे थोड़ा गेम रुकाओ प्लीज रुपी वाले प्लीज लाइव यहाँ पे फोकस करें बॉस टू बॉस पे। हाँ होगा थोड़ा गेम रुकाओ प्लीज हो सब फकी हमारे एक्स कैप्टन का स्वागत करते हुए अभी तक किसी और के 2 गेंदे आना बाकी है। शाहबुद्दीन को 12 हिट मारना पड़ेगा अगर अपने टीम को इस गेम में जिंदा रखना है लाए रखना है तो। फिर से एक बार अतिरिक्त रन इस अतिरिक्त रन के मदद से स्कोर जा पहुंचा है 27। 4 गेंद हो चुकी और मोहसिन लोखंडे का यहाँ पे जो दुबई से लाइव देख रहे हैं अगर सादिक भाई हैट्रिक मारते हैं तो 500 रुपए का तोहफा है। अच्छी जोन है उतना ही अच्छा शॉट टारगेट के मध्य से खेला है 4 रनों के लिए काफी बेहतरीन शॉट इस चौकी की मध्य से स्कोर ज्यादा हो जाए 31। इनिंग की आखिरी गेंद करेंगे सर जी शाहबुद्दीन के लिए अंपायर को पार किया विकेट को पार किया गेंद की अच्छी गेंद इसे लपेटना चाहते थे जोर से मगर बीट हो गए और ब्रैड स्टार की फर्स्ट इनिंग के बाद में स्कोर उनका है 31 और जीतने वाले को तो 4 ओवरों में 32 की काफी अच्छी कप्तानी पारी खेली थी सादिक भाई ने और उनका साथ देते हुए शाहबुद्दीन डावरे काफी अच्छी सोचबूझ की गेम खेली और अच्छा कमबैक करा है अपने टीम को आखिरी 2 ओवरों में 11। वाइड अलग है
आखिरी ओवर में 20 रन जोड़े कप्तान और शाहबुद्दीन नावरे ने। काफी अच्छा कमबैक करा है कई हद तक अपनी टीम को। और अगर वरुण को जीतना है तो 32 रनों के पहले वरुण को रोकना होगा। और जो भी यहाँ पे दर्शक देखने आए हैं उनसे उनके लिए भी एक साधिक भाई का इनाम यहाँ पे आ चुका है। वरेली के पास भी काफी अच्छे अच्छे गेंदबाज है, फैजान है खुद। अरे बाबा आदिल है, खुद साधिक भाई है। अच्छी लाइनअप है, बॉलिंग लाइनअप भी अच्छे है, रोक सकते हैं। हदब ज्यादा भरा नहीं है मगर बॉलिंग क्वालिटी भी अच्छी है। अबे वन के जाने माने बल्लेबाज गफूर और उनके साथ में कैफ, एक उभरता हुआ खिलाड़ी कैफ और उनका साथ देते हुए एक्सपीरियंस बल्लेबाज गफूर ने काफी कुछ कर चुके हैं वनी के टीम के लिए। गफूर पुराना चावल हो चलो मैच की तरफ फिर एक बार तमाम दर्शकों का रुख करते हैं, जहां पर आप देख सकते हो एक तरफ वनी और दूसरी तरफ वडोली की टीम। 32 रनों का चार ओवर में लक्ष्य रखा है, आसान सा लक्ष्य बिल्कुल। फैजान, फैजान की मीनिंग होते हैं फायदा पहुंचाने वाला। फकीर साहब हैट्रिक लेने पर 500 जेडी की तरफ से और हमारे फकीर साहब की तरफ से भी 500 यानी 1000 असद फकी।
मगाच्या वॉइस पेक्षा प्रत्येक मिनिटाला जो वॉइस देखिए गेंदबाज के लिए भी तोहफा है, बैट्समैन के लिए भी तोहफा है। जी हाँ, गेंदबाज के लिए सिर्फ तोहफा है कि हर गेंदबाज अगर लगातार 3 विकेट लेता है तो 1,000 रुपए का इनाम। इस बीच ये गेंद चली है लॉन्ग लेग रीजन में। इस ओवर का, इस इनिंग का पहला चौका। मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी गेंद पर चौका आया। रीजन में 1 रन। ओहो, अच्छी गेंद, तेज तर्रार आउट स्विंग होकर बाहर की तरफ निकली। छोटे स्टंप पर गेंद हमने देखी, 3 गेंदें 1 रन। कैफ सरखोत और अब्दुल और ये अच्छा कैच, पहला विकेट, पहली सफलता मिल चुकी है यहां पर वडोली की टीम को। एक डैशिंग पर्सनालिटी हमारे फकी साहब की, आज का पहला ही दिन उनका अंदाज देखिए कैसा है। वो कहते हैं ना फकी साहब, अंदाज अपना अपना होता है, इसीलिए हाथी मरने के बाद भी 1,25,000 का होता है। तो यकीनी तौर पर हर चीज की एक कीमत होती है, आपकी कीमत टूर्नामेंट के अंदर बहुत ज्यादा है। टीम का स्कोर हो गया है 1, विकेट जा चुका है 1, गेंदें हो चुके 4। पहला ओवर जारी है, अगला जो मुकाबला होगा उस मैच के लिए फरजान पालेकर खुद कप्तान, उनके साथ में मुजफ्फर एलुकर, उसके बाद जावेद दाउके दाकवे, जावेद दाकवे हाँ यानी जेडी भाई, उसके बाद हमजा डावरे, अविस लश्करी, साथी साथ शाहनवाज लोखंडे, यूनुस हारगे, रेहान लोखंडे, दानिश संगे, निहाल हरगे और अयमान लश्करी, ये तमाम बच्चे तैयार हैं अगले मैच के लिए। इस मुकाबले की तरफ अगर हम जाते हैं, मानना पड़ेगा तौसीफ की गेंदबाजी को। वाह, क्या बॉलिंग की है, बैटिंग में अपने आप को साबित नहीं कर पाए, अपने चाहने वालों को नाराज जरूर किया, लेकिन बॉलिंग में देखिए 2 रन 1 विकेट और इस बार देखिए पावर प्ले की ओवर में अच्छी गेंदबाजी, विकेट जाने का खतरा बन सकता था, विकेट नहीं हो पाया। अरे बोलता है। स्कोर 1 ओवर की समाप्ति के बाद, वाह 1 ओवर में सिर्फ 2 रन 1 विकेट, बॉलिंग अच्छी लगी होगी तो एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। तौफीक की लाजवाब गेंदबाजी मानना पड़ेगा। माजी कैप्टन मुजफ्फर एलुकर इनका स्वागत करेंगे, इनका इस्तकबाल किया जाएगा। हाफिज मुजफ्फर साहब आपका स्वागत है, खुशामदीन। बॉलर बॉलर ने, अरे बॉलर ने, अगला बॉलर, बॉलर का नाम देखना होगा अपनी टीम के लिए, दूसरा स्पेल लेकर कौन आता है। पहला ओवर जिस तरीके से किया था तौसीफ ने, अब फैजान अगर 3 विकेट लेते हैं लगातार हैट्रिक। अजहर फकी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, क्या हमारे असद फकी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके हाथों से हमारे इस इलाके के हाफिज साहब
हाफिज मुजफ्फर साहब, इनका फूलों के साथ इस्तकबाल किया जाए। मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर आप देख सकते हो पहली ओवर जारी है, एक ओवर दो रन एक विकेट। देखिए रियान लोखंडे इनकी तरफ से, सादिक भाई आपके लिए हर विकेट पर 500, यस 500 रुपए का इनाम। उसामा लश्करी उमान से बात कर रहे हैं, मैच को एंजॉय कर रहे हैं उसामा। आहा ये देखिए जाजीबुल नजर स्ट्रोक, आयन कोऑर्डिनेशन, स्टैंड एंड डिस्पैच, 6 रन षटकार। देख रहे हैं उन्होंने इनाम लगाया है, मंसूर भाई डावरे रियान ब्रदर्स की तरफ से 5000 और मंसूर भाई डावरे इनकी तरफ से 5000, कुल 10000 रुपए का इनाम लगातार 3 विकेट लेने पर। अब तक देखा जाए तो 2 गेंदों में 11 रन खर्च कर चुके हैं, बची हुई 4 गेंदे, क्या होगा मैच का रिजल्ट, क्योंकि टीम का स्कोर 13, 1 विकेट का नुकसान, रिक्वायर रन रेट बना हुआ है 7.13। जी हाँ ये लीजिए, ये आ चुका है चौका, मैंने बड़े हिट की बात किया था दोस्त और वो बड़ा हिट आ गया। के साथ मुकाबला तेजी के साथ झुकता हुआ वनी की तरफ, हमारे बीच एक और एक अजीम शख्सियत माजी कैप्टन इरफान डावरे साहब, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी हाँ ब्राइट स्टार एक ऐसा टाइटल है इस टूर्नामेंट का, इस बार नो बॉल। जी हाँ कैमरामैन जरूर इस मोमेंट को कैप्चर करना है, ये देखिए मंथन आपका ध्यान हमारी तरफ होना जरूरी है मंथन। इस बार ये स्ट्रोक सीधी गेंद 6 रन के लिए, ये देखिए माजी कैप्टन
इरफान डावरे, अपने वक्त के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में इनका नाम। जी हाँ, 19 सीरीज की अगर मैं बात करूं तो इतिहास के पन्नों को उल्टूं तो यकीनी तौर पर एक बेहतरीन खिलाड़ी। मानना पड़ेगा हमारे, हाँ दैवली कौन कैप्टन, आ जाओ। बॉलर कौन है? इरफान भाई, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने जिन्हें हैंडशेक किया है ना, ये वो शख्सियत है जिन्होंने इस टूर्नामेंट को बहुत सपोर्ट किया है। ये बिल्कुल एक सिक्की का दो पहलू होते हैं, ये वो पहलू है जिसके बगैर वो सिक्का नहीं चल सकता। एक सिक्के का पहलू अगर ये पूरी वडोली की कमेटी है तो दूसरा सिक्के का मतलब एक ही सिक्के का दूसरा पहलू ये फकीर साहब है। फैजान हैट्रिक लेते हैं तो उनके लिए राजू की तरफ से 1000 और हमारे असद फकीर साहब की तरफ से 1000, यानी कुल 2000। फरजान पालेकर की तरफ से 1000, 3000। क्या बोली लग रही है खिलाड़ियों की, मानो खेल भी चल रहा है बोली भी लग रही है। लेकिन इस बार ये चौका इस चार के साथ, फकीर साहब को भी पता था कि चौका आएगा इसीलिए उन्होंने सोच समझ कर इनाम भी लगाया हौसला अफजाई के लिए। चलो अब नया मुकाबला होगा, दोनों टीम के कैप्टन आ जाइए तुरंत। देखिए इस टूर्नामेंट के लिए बहुत सपोर्ट मिला है हमें इरफान भाई, हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमें इस टूर्नामेंट के लिए ताउन किया है। जुबेर अब्बासी जिन्होंने हमें इस टूर्नामेंट के लिए 25,000 रुपए का अतिया उनकी तरफ से आया। सुफियान धनसे 2000, अजहर बुले 3000, समीर डावरे 10000, फारूक डावरे 5000, समीर धनसे 2000, उस्मान उसामा लश्करी